बाकी यार इसका हमें नाम, वो मूवी का भी नाम नहीं आ रहा, और कुछ सरसों वगैरह बोलते हैं इसको। देखो भाई क्या नज़ारा आ रहा है। नीरज भाई वो कौन सी मूवी थी यार? वो थी यार कौन सी थी, शाहरुख खान की थी। अरे काजल, शाहरुख खान की। ये भी एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? गाइज हम ये आ चुके हैं डैम पर, और ये खड़ी है हमारी बाइक, और हम ये डैम पूरा घूम चुके हैं। पता नहीं ये डैम है कौन सा, बाकी बहुत शानदार नज़ारा दिखा था तो हमने बाइक को इधर घुमा दी थी। और हम डैम के अंदर चलते हैं और देखते हैं, नज़ारा दिखाते हैं आपको। पूरा छोटा सा मंदिर का फील आ रहा है यहाँ पर। देखिए गाइस क्या नज़ारा आ रहा है बिल्कुल। नीरज भाई एक नंबर फीलिंग रही है, छोटी छोटी और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बिल्कुल शानदार। हम वहाँ से लगा कर यहाँ तक का कच्चा रोड था, तो वहाँ से वहाँ से यहाँ तक बाइक लेकर आए हम। सूरज आ रहा है सुबह से निकले हुए घर से, वापस हम घर की तरफ जाएंगे। तो रास्ते में हमने रिजल्ट बनाया था तो टूट नहीं हो पाया था, किस कारण की वजह से हम जाते हैं तो बनाएंगे। इधर तो तालाब है और इधर हरी भरी खेती है और बीच में ऊंचा सा रोड है, मतलब अच्छा फील आ रहा है पूरा आपको। दिख रहा हम है, ये हम है, ये हमारी बाइक है। और ये कौन सा डैम है पता नहीं यार, डैम का तो पता नहीं है, बाकी घूमता आ गया। यहाँ से रास्ता दिखा हमने किसी से पूछा और हमने गाड़ी भी बाइक को इधर डाल दी, मतलब थोड़ा आधा एक किलोमीटर दूर था, फिर हम यहाँ आए। हमें अच्छा नज़ारा लगा, हमने फोटो खींचे हैं, आपको दिखाएंगे वीडियो में। भाई ने बहुत सारे फोटो खिंचवाए बिल्कुल। अब हम यहाँ से वापस से बाइक को घुमा लेते हैं आराम से, बिल्कुल देखो कैसी, मतलब यहाँ से बाइक नीचे जाए एक बार में तो डायरेक्ट पानी में। बाकी हम अभी गाड़ी डालेंगे नहीं नीचे, हम पलटाएंगे, मतलब बिल्कुल पहाड़ी जैसा। इलेक्ट्रिसिटी का भी कुछ दे रखा है यहाँ पर, यहाँ पर भाई लोग घूमने आते हैं यहाँ पर, मतलब अच्छी जगह है इसलिए। वेलकम टू यूट्यूब चैनल, जैसा कि मेरा नाम है समीर और आज मेरा आज फर्स्ट ब्लॉग था जिसको बनाने में मेरे को बहुत मेहनत लगी है भाइयों। बस कुछ नहीं, आपका सपोर्ट चाहिए और आपका प्यार चाहिए, और आपका सपोर्ट मिलता रहा तो हम वीडियो बनाते रहेंगे। जैसे कि हमें, हम जाने का तो कहीं और था, जा तो कहीं और रहे थे, बाकी हम घूमते घूमते यहाँ से किसी ने बता दिया कि ऐसा डैम वगैरह है तो हम इधर आ चुके हैं। गाइस ये एक नंबर नज़ारा लगा मेरे को बिल्कुल यहाँ पर, और बहुत बेहतरीन फील आई थी। और ये रास्ता मतलब ऐसा ही है, मतलब यहाँ पर एक गांव टाइप आएगा, गांव से फिर बाहर अपने को हाईवे मिलेगा। तो अभी तो हम चलते हैं सीधे हाईवे की ओर, और थोड़ा गड्ढे वगैरह है तो संभाल के बाइक निकालना पड़ेगी। बारिश के टाइम पे तो शायद ये रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता होगा, गड्ढे वगैरह में पानी भर जाता होगा। यार भाई यहाँ पर बाइक चलाना, मतलब जो रात दिन चलाता है वही चला पाएगा, नहीं तो यहाँ से बाइक नीचे जाए तो डायरेक्ट पानी में, क्योंकि कोई सपोर्ट वगैरह है नहीं। देखो ये भी एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। यार भाई यार ये मेरे भाई नीरज ने बताया बैग रखने का तरीका, मतलब दोनों के हैंडल के साइड में डाल लो और बैग सेफ्टी यहाँ पर रख लो। मैंने तो ऐसे ही रख लिया है। ये दिखाओ क्या नज़ारा आ रहा है इधर यार, एक नंबर। सनलाइट के थ्रू में कितना शानदार नज़ारा है, शाम का टाइम का ये अभी कभी वक्त हो रहा है, 5 बज रहे हैं करेक्ट, 5 बज रहे हैं करेक्ट। और देखो आप नज़ारा, सूरज ढल रहा है
बेहतरीन नज़ारा है। इसे कहते हैं ओरिजिनल नेचुरलिटी। जैसा कि भाई बता रहे हैं ओरिजिनल नेचुरलिटी, बहुत नेचुरल जगह है ये, हमारा जो एरिया है आसपास का बहुत नेचुरल, बहुत शानदार सिटी है, कभी आपको आना। भाई मैं बहुत सालों से यहाँ पर रह रहा हूँ, बाकी बट मैं आया नहीं था इधर, तो मैंने सोचा यार कि हम जा तो दूसरी जगह रहे थे, फिर हमने बाइक को इधर मोड़ लिया और इधर आ गए हम, तो मैंने सोचा आपके लिए ब्लॉग बना दूं, और मेरे को फर्स्ट ब्लॉग शूट करना ही था। ये जो दादा कर रहे हैं ना पानी डालना, इसे हमारे यहाँ पर बोलते हैं पानत करना, ये हमारा मालवा क्षेत्र है। भाई यार आपसे बातें भी करना पड़ रही हैं और बाइक भी मतलब संभाल के चलाना पड़ रही है, मतलब रोड ऐसे हो रहे हैं आप देख रहे हो ना बीच में, मतलब इधर उधर। गाइस यार वीडियो अच्छे लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, इतनी मेहनत कर रहे हैं यार आपके लिए हम, और ऐसे ही आपका प्यार चाहिए और कुछ नहीं, और आपका सपोर्ट, आपका सपोर्ट मिलता रहेगा तो हम ऐसे ही काम करेंगे आगे और वीडियो बनाते रहेंगे। I'm walking around in the circle of life, doing the things I know, walking the same ways a hundred of times with the same soul. ये रास्ता तो मतलब ऐसा छोटा लग रहा था, बाकी बस चले जाओ मतलब ऐसा दिखने में सीधा है ना यार, कि डेम ऐसा है कि अभी पहुंच जाएंगे मतलब एक सेकंड में, मतलब यहाँ से वहाँ हो जाएंगे एक मिनट के अंदर, बाकी यार मतलब हम चले गए। और ये देखो जो शाहरुख खान की मूवी में जो शूटिंग हुई थी, कौन सी मूवी थी नीरज, वो क्या बोलते हैं वो काजल थी, काजल याद भी याद नहीं आ रहा, वो थी जिसमें हाथ यूं करके, क्या बोलते हैं यार वो मूवी का नाम नहीं आ रहा, कमेंट करके बताओ कौन सी मूवी थी यार, हमें तो नाम नहीं आ रहा है, उसमें इसमें शूटिंग हुई थी, क्या इसको क्या बोलते हैं, पीला पीला उग रहा है ये, क्या ये पीले पीले फूल है, हाँ सरसों वगैरह बोलते हैं, बाकी शाहरुख खान की एक मूवी की शूटिंग हुई थी, बाकी नाम नहीं आ रहा यार कौन सी मूवी थी, आपको वो आप कमेंट करके बता देना, वो आप कमेंट करके बता देना। ये देखो यार आगे भी इधर भी है वो चीज़, इधर भी है, नीरज भाई आएंगे उतर के, जाओगे क्या, जाएंगे ना नीरज भाई, जाएंगे नीरज भाई, शाहरुख खान वाला पोस्ट नहीं है, मेरा है। भाई की चश्मे की डंडी टूट गई है, मैं भी भाई को करता हूँ खड़े, अपन भी नज़ारा देखते हैं, तार है यहाँ पे करंट के, इसको संभाल के देखो भाई क्या नज़ारा आ रहा है, बाकी यार इसका हमें नाम, वो मूवी का भी नाम नहीं आ रहा, और कुछ सरसों वगैरह बोलते हैं इसको, देखो भाई क्या नज़ारा आ रहा है। नीरज भाई वो कौन सी मूवी थी यार, वो चलो वो सब कमेंट में बताएंगे, अपने को पता नहीं नाम नहीं आ रहा है, चलते हैं देखो गाइस क्या नज़ारा है, आसपास में घर भी हैं यहाँ पर, और ये देखो पूरा यहाँ पर फोटो वगैरह होते एक नंबर लगता है, चलते हैं अपन वापस से, और क्या कर रहा है, थोड़े फूल लगा दिए गाड़ी में, ठंडी सी लग रही है यार, सूरज भी मतलब इतना ख़तरनाक निकला हुआ है, बाकी फिर भी ठंडी सी लग रही है, क्योंकि बाइक पे यार ठंड लगती है, और यार मेरी गाड़ी एक बार कीचड़ में फंस गई थी, उसकी वजह से मेरा सेल पर भी ख़राब हो चुका है, तो उसको भी मैं रिपेयर करवाना है यार मेरे को सेल पर, वो भी अच्छा लगा यार यहाँ पर आके अपनों को, और फिर अब चलते हैं अपने घर के लिए, इधर देखो कुछ काम चल रहा है खेत पे। गाइस यार गड्ढे ऐसे हो रहे हैं यहाँ पर, ऊपर नीचे गाड़ी हो रही है, हमारा जो मालवा क्षेत्र है ना इधर अधिकतर आपको लाल मिट्टी मिलेगी, मतलब और पथरीली जमीन है इधर, और लाल मिट्टी ज़्यादा रहती है इधर हमारे इधर, इधर एक काजल शाहरुख खान की, देखो कितनी सारी काजल है, एक दो तीन चार, कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है ये, असली है ये लोडा, चार पांच काजल, ओ शिट गए, शाहरुख खान वाली काजल दिख गई थी, राइट इधर चलो ना, इधर ही चलो, इधर ही बड़ोद, नहीं बड़ोद नहीं, इधर घर पे, घर
हाँ अपन यार इधर घूम लिया, अब अपन फिर कभी नेक्स्ट टाइम आएंगे। यार भाई ठंडी भी बहुत लग रही है, देखो यहाँ पे भी कुछ। हम आ चुके हैं हाईवे पर, इसको फेंक देते हैं, कोई मतलब नहीं इसका यार, मतलब क्या ही बताऊँ आपको मैं, मतलब हवा इतनी ख़तरनाक चल रही है और ठंडी लग रही है, मतलब हेलमेट नहीं हो भाई, टाइम ज़्यादा हो जाएगा अपने को, थोड़ा जल्दी चलना पड़ेगा, ठंड बहुत है। ठंड बहुत है तो भाई बोल रहे हैं कि थोड़े बाइक को घिसना पड़ेगी, क्योंकि तो यहाँ पर अभी खेत में जब पानी पिलाते हैं ठंडा ठंडा माहौल हो जाता है, तो क्या सारी मतलब बर्फ़ जैसे आता है ना, हीट आती है मतलब फ्रिज के अंदर से ऐसी हीट निकल के और रोड के तरफ आती है, तो उससे क्या सारी हीट आती है और ऐसा मतलब ज़्यादा ही ठंडी लगती है। मतलब देखो मौसम तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल गर्मी का हो, बाकी इतनी ठंड लग रही है। और कल तो हमारा आगर में ऐसा लग रहा था जैसे कि हम कश्मीर में आ गए हों, आगर में तो ऐसी फील आ रही थी बिल्कुल, शाम की 5 बजे ऐसा लग रहा था कि सुबह की 5 बज रही हो, मतलब कोई मतलब मौसम का कोई परिवर्तन। गाइस आ चुका है वो मोड़ और हम कराएंगे बाइक को लीन। ये नीरज भाई का आ चुका है, तो नीरज भाई का रिएक्शन कुछ अलग ही स्टाइल का है, क्योंकि तो उनको लग रहा है डर है। गाइस वीडियो हो चुकी है बहुत लंबी, और आज का ब्लॉग हम यहीं पे करते हैं ख़त्म, और वीडियो अच्छा